विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे थे हम अभी एक ब्रेक के बाद, फिर आगे बढ़ा रहे हैं। शेरशाह सूरी का न्याय व्यवस्था, शेरशाह सूरी का न्याय व्यवस्था। तो शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था, वह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था, वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने के लिए बैठता था। क्वेश्चन बना, शेरशाह सूरी किस दिन अपनी कचहरी मतलब न्यायालय लगाता था? आंसर बुधवार को, आंसर बुधवार को। अब बुधवार को क्या बोलते हैं आप लोग? वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। कौन सी उपाधि? सुल्तान उल अदल। एक उपाधि और थी शेरशाह की, कौन सी? कल पढ़ी थी हमने, हजरते आला। हजरते आला पढ़ी थी। एक उपाधि हजरत आला हो गई, दूसरी उपाधि उसकी कौन सी हो गई? सुल्तान उल अदल। ठीक है, उसकी न्याय प्रक्रिया बहुत निष्पक्ष और कठोर थी। उसका कहना था कि न्यायिक कार्य धार्मिक कार्य में सर्वश्रेष्ठ है और इसे सभी काफिर और मुसलमान बादशाह स्वीकार करते हैं। वास्तव में न्याय करना जो है वो क्या है? सबसे श्रेष्ठ वर्क, श्रेष्ठ कार्य है। धार्मिक कार्यों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कार्य है तो वो क्या है? न्याय करना। ठीक है, शेरशाह सूरी न्याय के प्रति दृढ़ता के बारे में अब्बास खान सरवानी जो इतिहासकार हैं इसके, शेरशाह सूरी का जो इतिहास लिखा जिन्होंने, वैसे तो डॉक्टर कानून गो ने लिखा। किसने लिखा? डॉक्टर कानून गो। लेकिन जो पुराना जो इतिहासकार है उस समय का, वो कौन है? अब्बास खान सरवानी। कौन सी किताब लिखी अब्बास खान सरवानी ने? उसने लिखी तारीख शेरशाही। क्या? अब यूपी वालों ने ऐसा नहीं पूछा, यूपी वालों ने पूछा कि तारिक शेरशाही को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब जिस नाम से जाना जाता है ना, वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उस शेरशाह सूरी का नाम ही नहीं है। तोहफा है अकबर शाही। क्या है? अब क्या तोहफा है अकबर शाही से कहीं पता चल रहा है कि शेरशाह का इतिहास होगा इसमें? तो तारिक शेरशाही को ही क्या बोलते हैं? तोहफा है अकबर शाही। और वो किसने लिखी? अब्बास खां सरवानी या अब्बास खां शेरवानी। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब अब्बास खान शेरवानी लिखते हैं कि शेरशाह के राज्य में एक जीर्ण शीर्ण वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरे हुए टोकरे को लेकर निकल पड़ी, परंतु किसी चोर को उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। अगर ऐसा लिख रहा है अब्बास खान शेरवानी, उस समय का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है कि एक बुढ़िया, जीर्ण शीर्ण बुढ़िया, अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों का टोकरा लेके जा रही है और उसकी चोरी नहीं हो रही है, इसका मतलब न्याय व्यवस्था इतनी गजब की रही होगी। क्योंकि इसकी न्याय व्यवस्था तो अद्भुत सी थी। इसमें तो ये था कि गांव का जो प्रधान है, अगर गांव जिस गांव से वो जा रही है, अगर माना वहां पर चोरी हो गई, तो या तो चोर को पकड़ के लाएगा जो अधिकारी होगा, या फिर वो उतना क्या करेगा? भरपाई करेगा। हत्या हो गई तो या तो हत्यारे को ढूंढेगा या फिर उसको मृत्युदंड मिलेगा। किसको? जो अधिकारी है। जब ऐसे होते हैं क्या स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जब, तब फिर ऐसा ही होता है कि एक वृद्धा महिला भी क्या कर रही है? स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ टोकरा लेके जा रही है और उसको किसी चोर की हिम्मत नहीं हो रही है कि क्या? ऐसा ही हम तुगलक में भी पढ़ेंगे कि किसी भेड़िए की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मेमने की तरफ देख सके। किसकी तरफ? मेमने की तरफ देख सके। वो हम तुगलक में पढ़ेंगे। ठीक है, तुगलक में पढ़ा मतलब हमने। चलो, शेरशाह के काल में लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ, परगने में कौन करता था? मुंसिफ। और सरकारों यानी डिस्ट्रिक्ट में कौन करता था? मुंसिफ है मुंसिफा। मैंने पहले ही बताया कि मुंसिफ है मुंसिफान जो है वो बड़ा अधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट में है, बड़ा जज है। जज मतलब जिसने न्याय करना है। ठीक है, और मुंसिफ जो है छोटा जज है जो कि परगने में। इतना समझ में आ गया। जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय क्रमशः सिकदार और सिकदारे सिकदारान करते थे। कौन करते थे? सिकदार और सिकदार ए सिकदारान करते थे। फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदार और सिकदारे सिकदारान करते थे, यानी परगने में सिकदार और सरकार में सिकदारे सिकदारान। और जो बड़े निर्णय होते थे उनका निर्णय कौन? स्वयं बुधवार को कोर्ट लगाकर शेरशाह सूरी करता था। इतना समझ में आ गया। ठीक, काजी जो होता था वो असैनिक मुकदमों के निर्णय करते थे। असैनिक मुकदमों के निर्णय कौन करता था? आंसर काजी।
गांव के मुकदमे ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित होते थे, अभी भी होते हैं कई जगहों पर, है छोटे मोटे जो होते हैं। शेरशाह की न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, जिसमें कैद करना, कोड़े मारना, अंग विच्छेदन, अंग भंग करना मतलब, और जुर्माना आदि थे। शेरशाह के समय कोई पृथक पुलिस व्यवस्था नहीं थी, साम्राज्य के विभिन्न अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। और जो अधिकारी थे, मैंने कहा अगर किसी का कत्ल हो गया तो ये अधिकारियों को ढूंढना पड़ता था कातिल को, और सजा दिलानी पड़ती थी, नहीं तो यही अधिकारी टंगते थे। किस पर? ये माना जाता था कि अगर तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब तुम ही, मतलब तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का कार्य किया। अब ये स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत यही है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि चोरी हुई तो चोर को ढूंढो और उसकी जो चोरी की है वो उस माल को क्या करो, वापस लाओ, नहीं तो अधिकारी को क्या करना पड़ेगा, उतना ही देना पड़ेगा जिसके यहाँ चोरी हुई है। इसको बोलते हैं स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस अफगान शासक के समय में जो न्याय व्यवस्था थी वो स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित थी, तब आपने आंसर देना है शेरशाह सूरी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इसका मतलब बता रहा है कि जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी उसी का होता था। ठीक है, गांव के कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए का काम जो करते थे वो कौन करते थे? चौधरी और मुकद्दम। अब भैया यहाँ ना ये याद कर लो, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या होते हैं गांव के स्तर पर। तो अब आपने ये याद रखना कि शेरशाह सूरी के समय में चौधरी और मुकद्दम, कहीं पर आगे हम पढ़ेंगे खुद मुकद्दम और चौधरी, क्या पढ़ेंगे? अब आपने सुना होगा कास्ट भी होती है चौधरी, होती है, यानी कभी उनके पूर्वज चौधरी रहे होंगे, इस पद पर रहे होंगे, क्या कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए गांव के चौधरी रहे होंगे, तो फिर चौधरी जी और फिर क्या बन गए वो, कास्टी क्या होगी, चौधरी होगी। ठीक है, चलो। सड़कें और सराएं, ये तो पता ही आपको, ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न शेरशाह सूरी से, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? आंसर, शेरशाह सूरी ने किया। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया। उसने चार सड़कें बनवाई, ठीक है, एक बनाई उसने बंगाल से सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर और पंजाब में अटक तक। कहां से कहां? बंगाल में सोनार गांव, कहां रह गया बंगाल और कहां रह गया कौन? अटक। अटक भी पाकिस्तान में पड़ता है। अब कहां पड़ता है? कहां पड़ता है अटक? पाकिस्तान में। और कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा में। और किस पेशवा ने कहा था कि हम मराठा ध्वजा को अटक से कटक तक फहराएंगे? किसने कहा था? अरे कोई पेशवा था, पिक्चर तो देख ली होगी आपने, अब तो रणवीर क्या है वो हीरो कौन है, हाँ जो भी है पेशवा बना हुआ ना, वो बोलता है ना, कौन होता छत्रपति? अरे छत्रपति साहू होता है उस समय, शिवाजी तो बहुत पहले चले गए, शिवाजी तो 1680 में ही चले गए। अगर शिवाजी न मरते जल्दी, 1680 में न जाते, 1680 के बाद 27 साल और जिंदा रहा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब मरा 1707 में, कब मरा? और शिवाजी बेचारे चले गए कब? 1680 में। अगर शिवाजी जिंदा रहते तो औरंगजेब की नाक में दम करके रखते, क्या करते? औरंगजेब के नाकों चने चबवा देते हो। भले ही उनके पास सेना नहीं थी, लेकिन गुरिल्ला युद्ध पद्धति में उनका कोई मुकाबला नहीं था, ये पता है। और शिवाजी ने जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो अपनाई थी, छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी, वो किससे अपनाई थी, क्या बताया था मैंने? मलिक अंबर, बताया था दो चीजें अपनाई थी शिवाजी ने उससे, मलिक अंबर से। एक छापामार युद्ध पद्धति, जिसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला सामने से वार नहीं करता कभी भी, गुरिल्ला क्या करता है? पीछे से झपटता है, ठीक, गुरिल्ला युद्ध पद्धति बोलते हैं उसको। और दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब वही किसान प्रजा, जब बिचौलिए नहीं होते हैं सीधे किसान क्या करता है, टैक्स कहाँ जमा करता है? तो क्या बताया था मैंने कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के पिता कौन थे? अंग्रेजों के समय में, यहां पर नहीं बोल रहा हूं मैं, अब मैं अंग्रेजों के हिसाब से पूछ रहा हूं कि जब माना मॉडर्न में क्वेश्चन बन गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के पिता कौन थे, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड कौन थे। और मॉडर्न में अगर क्वेश्चन आ गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था, तब आपने बोलना बारह महल। क्या बोलना है? कहां होता है बारह महल?
तमिलनाडु, 12 महल तमिलनाडु में। और किसने 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 किया था? कैप्टन रीड ने किया था वहां पर, जो प्रयोग किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था का अंग्रेजों के समय में, तो कैप्टन रीड ने 12 महल तमिलनाडु में, फिर बाद में देश के अन्य भागों में लगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, कुछ वहीं से पूछ लूं और क्वेश्चन। ऐसा है ना, पिक्चर आने वाली है, ट्रेलर दिखा देता हूँ, मॉडर्न के जो ट्रेलर हैं वो यहीं पे दिखा देता हूँ, भले हम शेरशाह सूरी पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि महालवाड़ी व्यवस्था के कौन थे, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे, कौन थे? अच्छा, अब जब महालवाड़ी व्यवस्था लगती है तो इस व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो हॉल्ट मैकेंजी वाली जो व्यवस्था बता रहे हैं आप, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? महालवाड़ी व्यवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर, मार्टिन बर्ड योजना। आंसर, मार्टिन बर्ड योजना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, और तीसरा क्या, कई पूछ लिए मैंने तो। कितने कितने प्रतिशत भाग पर देश के ये व्यवस्थाएं थी? तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि स्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था जानते हो है, इस्तमरारी, उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? जमींदारी, इस्तमरारी, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो कितने परसेंट भाग पड़ती देश के? 19% भाग पड़ती। कितने पड़ती? 19% भाग पड़ती। और अगर मैं पूछूं कि ये वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट भाग पड़ती, तब आप क्या बोलोगे? 51% भाग पड़ती। कितने परसेंट? 51%। और अगर मैं पूछूंगा महालवाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट भाग पर थी, तब क्या बोलोगे? 30%। तब क्या बोलोगे? चेक कर लो एक बार भाई, चेक कर लीजिए। हाँ जी, 30%। तो 19, 51 और 30 याद रखना आपने, क्या क्या याद रखना है? तो जमींदारी व्यवस्था सबसे पहले 19%, फिर मैंने बोला आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था 51%, फिर बोला मैंने मालवाड़ी व्यवस्था 30%। मालवाड़ी का अन्य नाम क्या बताया मैंने? उस समय क्या बोलते थे? मार्टिन बर्ड, मार्टिन बर्ड योजना। क्या बोलते थे? मार्टिन बर्ड योजना। कर लोगे मॉडर्न में? अभी आएंगे हम मॉडर्न में भी पहुंचेंगे, हम कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, पर प्रत्येक समस्या का हल होगा, होगा ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अकबर की कौन बहन थी जिसे काबुल का गवर्नर बनाया गया था? तो बख्तुनिशा बेगम। कौन? बख्तुनिशा बेगम, जो कि किसकी बहन थी? मिर्जा हाकिम की बहन थी। किसकी? सौतेला भाई था अकबर का, पहले तो, हाँ, पहला अकबर होगा, फिर मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम शायद बड़ा है, चेक कर लेना। ठीक है, मिर्जा हाकिम सौतेला भाई है उसका। किसका? अकबर का। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, अकबर के बच्चे ही नहीं हो रहे थे, तो फिर बड़ी मुश्किल से कौन हुआ? शेखू सलीम जहांगीर, है ना, वो भी कहां? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। क्या अकबर के बाद में और बच्चे भी हुए? तो हाँ जी, हुए, क्योंकि अकबर के समय में ही अकबर का एक पुत्र शराब पी पी के मर गया। एक क्वेश्चन बनाया यूपी वालों ने, कौन था वो ढूंढो। अकबर का कोई ऐसा पुत्र था जो अत्यधिक मद्यपान, शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हो गई अकबर के समय में ही। तो तब तक मैं आगे बढ़ता हूं भाई। हाँ, शहजादा मुराद, मेरे ख्याल से शहजादा मुराद जो था वो अत्यधिक शराब पीने के कारण क्या हो गया था? मर गया था अकबर के समय में। ठीक है, पिता के जीवित रहते ही। तो अब सड़क पे आ जाते हैं भाई, शेरशाह सूरी ने कौन कौन सी बनाई। तो बंगाल में कहां रह गया? सोनार गांव। ठीक है, वहां से लेके अटक तक, और ये कहां कहां से होकर जा रही थी ये सड़क? सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली, लाहौर, कहां रह गया? दिल्ली, कहां रह गया? लाहौर, लाहौर, और उसके बाद पंजाब में अटक तक जाती थी। पहली सड़क तो ये हो गई, ग्रैंड ट्रंक रोड बोल रहे हैं इसे हम। दूसरी रोड जो है वो आगरा से बुरहानपुर, बुरहानपुर मैंने कहा आपको कहां? नीचे दक्षिण भारत में, जहां पर कौन मरी थी? मुमताज महल। मुमताज महल को ताजमहल में दफनाने से पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, ये पता है? नहीं पता है। फिर बाद में वहां दफनाया गया उसको, कहा? ताजमहल के अंदर।
प्रेम का प्रतीक है कि ताजमहल क्या है, प्रेम का प्रतीक है। यानी पति अपनी पत्नी के जीवित रहते ही क्या कर रहा, मकबरा बना रहा है और बोल रहा है कि जब तू मरेगी तो यहाँ दफनाया जाएगा, बताओ यार। और जो रानी की बाव है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, वो प्रेम का प्रतीक नहीं है, जो कि अपनी रानी के लिए नहाने की क्या कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है। इतनी बड़ी रानी की बाव जब आप देखेंगे तो ऐसे ही नहीं बनाया जाता वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इतनी बड़ी है और इतनी विशाल और इतनी भव्य है कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आया? चलो जी, वही है ना, किसी भी झूठ को तब तक दोहराओ जब तक वो सच ना लगे। तीसरा, आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक एक और सड़क है। कहां से? आगरा से जोधपुर होती हुई कहां तक? चित्तौड़ तक। अगली सड़क है लाहौर से मुल्तान तक, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान मैंने बताई दिया आपको, है ना। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया भाई, कितनी। और ये ध्यान रखना, सरायों में भी क्या व्यवस्था की इसने भाई, हिंदू भी चलते थे मुस्लिम भी चलते थे, तो मुस्लिमों के लिए मुस्लिम जो भोजन बनाने वाला था वो मुस्लिम होता था, और जो हिंदुओं के लिए क्या होता था, भोजन बनाने वाला हिंदू होता था, और हिंदुओं के लिए हिंदू प्रकार के भोजन शाकाहारी, और मुस्लिमों के लिए ठीक है ना, हिंदुओं के लिए शुद्ध वैष्णव सराय, वैष्णव समझते हो, जहाँ पर लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा, और उधर जो दूसरा वाला जो बनेगा उसमें क्या, सराय में अगर भोजन पक रहा है तो वहाँ शोरबा और सब चीजें जो होती हैं, ठीक है। चलो जी आगे, हिंदुओं और मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। प्रत्येक सराय की देखभाल एक सिकदार नामक अधिकारी करता था। सरायों की कौन करता था? सिकदार करता था, सिकदार नामक अधिकारी करता था, ठीक है। डॉक्टर कानूनगो ने इस सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। वैसे तो सड़कों को बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, जो सड़कें होती हैं किसी भी देश की, जो सड़कें होती हैं वो उसकी आर्टरीज होती हैं, क्या होती हैं, आर्टरीज। जिस व्यक्ति की आर्टरीज साफ है, जिस व्यक्ति की आर्टरीज क्या है, अच्छी हैं, साफ सुथरी हैं, तो समझ लो वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। और आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल जम गया, क्या जम गया, मोटी हो गई आर्टरीज, कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, फिर होता है क्या, कई प्रकार के बीमारियां होती हैं, अटैक पड़ते हैं, कई चीजें होती हैं। तो इसलिए क्या है, डॉक्टर कानूनगो ने कहा इन सरायों को और इन सड़कों को शरीर रूपी, शरीर की धमनियां कहा है, धमनियों के साथ क्या किया, तुलना की है, ठीक है। अब वर्तमान सरकार में देख रहे हैं आप, जितनी भी आर्टरीज हैं ये जितनी भी सड़कें हैं ये अच्छी बन रही कि नहीं बन रही। वरना हमने तो वो समय भी देखा है भाई कि ऋषिकेश से बैठे और सुबह बस में बैठ गए 4 बजे, 3 बजे खड़े हो गए, 4 बजे तब बस चली, और तब जाके रात को पहुंच रहे कहाँ, रुद्रप्रयाग, कहाँ पहुंच रहे, फिर वहां हॉल्ट करना पड़ता था, फिर आगे जा रहे हैं भाई। केदारनाथ अगर आपको जाना है तो 2-3 दिन लगते थे, अब क्या हो रहे हैं, सुबह सुबह के आराम से खाना पीना खा के निकलो तो भी आप आराम से पहुंच जाओगे गौरीकुंड, है ना। इसको बोलते हैं धमनिया, ऑल वेदर रोड, है ना। चलो, मुद्रा व्यवस्था, मगर एक दुख है, मेरे गांव में अब पहुंची सड़क, और ऐ सड़क तो तब आई जब गांव में कोई भी ना रहा, क्या कोई है ही नहीं, बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, कोई रहा ही नहीं, अब पहुंच रही है सड़क, तो भाई क्या है, देर हो गई भाई। और इतनी बढ़िया सड़क पूछो मत। चलो, मुद्रा व्यवस्था भाई, शेरशाह के स्थान पर शुद्ध चांदी का क्या बनाया, रुपया, क्या चलाया, चांदी का रुपया चलाया। चांदी का कितने ग्रेन का था, 180 ग्रेन का था, या 178 भी लिखा होता कहीं पर, 180 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया। और ये रुपया बहुत लंबे समय तक विनिमय का क्या माध्यम बना रहा, क्या रहा, विनिमय का माध्यम बना रहा। आज भी बोलते हो आप रुपया ही बोलते हो, ये रुपया किसने चलाया था, पर उस समय चांदी के थे, अभी पूछना दादी लोगों से पूछना, क्या पता रखे हों चांदी के रुपये, पुराने जमाने में चांदी के रुपये चलते थे भाई, रखे हैं, हाँ बस। अच्छा, तांबे का क्या चलाया उसने, दाम चलाया, क्या चलाया, तांबे का दाम चलाया। आज भी पूछते हैं इस वस्तु के कितने दाम देने हैं, दाम को आप प्राइस के रूप में लेते हो, बट दाम क्या था, सिक्का था, किसका था, तांबे का सिक्का था। कितने ग्रेन का था भाई, 380 ग्रेन का था, कितने का था, 380 ग्रेन का था, ठीक है जी।
शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी, मिंट। अच्छा, इसके अलावा उसने क्या किया, दाम के आधे, आधे होते ना, दाम के आधे, चौथाई, 16वें भाग तक के अनेक सिक्के चलाए। क्या चलाए? आधे, चौथाई और 16वें, क्योंकि कोई छोटी चीज लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, छोटा वो लेना पड़ेगा ना। आपको एक टॉफी लेनी है, अब तो पता नहीं आप लोगों ने तो नहीं ली होगी, पर हम लोगों ने ले रखी 5 पैसे की एक टॉफी, नहीं लेमन वाली जो होती है 5 पैसे की आती थी, चूर्ण मिलता था एक 5-10 पैसे का एक चूर्ण मिलता था, आप लोगों ने नहीं खाया होगा, आप लोगों ने सीधा रुपया देखा। चलो बढ़िया, अमीर लोग हो आप, ठीक है। हम लोगों को 1 रुपया मिलता था पॉकेट मनी स्कूल जब जाते थे, 1 रुपया कितना, आप लोगों को कितना मिलता है ना, मतलब स्कूल में कितना मिला। तो अब तो माता पिता क्या कर रहे हैं, वो कार्ड दे दे रहे हैं, लो भाई जितना मर्जी खर्च करो। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी भाई, कितनी, यहां से क्वेश्चन बन सकता कितनी टकसालें थी, 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह के नाम और पद अरबी और देवनागरी लिपि में अंकित थे, किसमें, अरबी और देवनागरी लिपि में अंकित थे। शेरशाह द्वारा रुपये के बारे में विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार कौन, रुपया, कौन, रुपया, यानी उसने तब चला दिया था, ब्रिटिश काल तक चलता रहा रुपया। समझ में आया, ठीक है आगे। शेरशाह ने राजधानी दिल्ली में दान के लंगर स्थापित करवाए जिसमें लगभग 500 अशर्फी प्रतिदिन खर्च होता था। अशर्फी समझते हो, सोने की अशर्फियां जो होती हैं, 500 अशर्फियां रोज खर्च होती थी। शेरशाह ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कभी कभी धर्म का सहारा लिया। रायसीन के शासक पूरणमल के साथ उसका दुर्व्यवहार एवं जोधपुर में उसके हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिदें बनवाई, शेरशाह ने भी किया, हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई, खासकर कहां पर, जोधपुर में, कहां पर, जोधपुर में। शेरशाह सूरी के काल में एक था मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने लिखा पद्मावत, रानी पद्मावती की जो कहानी है वो कहाँ मिलती है आपकी, पद्मावत में मिलती है। पद्मावत किसने लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, और मलिक मोहम्मद जायसी किसका समकालीन है, आंसर शेरशाह सूरी का, ठीक है। शेरशाह ने सैनिकों को नकद वेतन दिया, यद्यपि सरदारों को जागीरें दी जाती थी, जो बड़े सरदार ऑफिसर्स होते थे उन्हें जागीर और जो सैनिक होते थे उन्हें नकद वेतन, तो क्लियर हो गया। बेमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की, क्या होता है अगर सरकार वो ना करे ना, तो हम लोगों ने तो ये भी सुना है कि कई बार सरकारी कर्मचारी है अपनी जगह किसी और को बिठा रखा, उसने क्या कर रखा, यानी सैनिक अपनी जगह किसी और को भेज देते थे कभी कभी, क्या करते थे, तनख्वाह सैनिक ले रहा, तो इसलिए हुलिया लिखा गया, क्या लिखा गया, और घोड़े जो थे शाही घोड़े उनको दागा गया। दागते कैसे, गरम करते हैं लोहा, उसकी पीठ पर क्या करते हैं, मोहर लगाते हैं, क्या करते हैं, जिससे पता चले, ये ना हो ना कि सैनिक का घोड़ा है राजकीय घोड़ा है और शादी में बुक हो रहा, वैसे तो घोड़ी होती है शादी में जो होती है, पता चला वैसे भी कमा रहे और वैसे भी कमा रहे, गड़बड़ है ना, तो शाही घोड़ा जो है वो क्या है, जैसे आर्मी का घोड़ा होता है उसकी कितनी देखभाल की जरूरत पड़ती है, उसको बेचा नहीं जाता बाद में, रैंक बढ़ता है उसका, लास्ट में जब बूढ़ा हो जाता है तो गोली मार दी जाती है उसको, क्योंकि पता है कि अब इसकी इतनी देखभाल नहीं हो पाएगी, है ना। चलो जी आगे, मारते थे अंग्रेज लोग, मारते थे, अब नहीं, अब तो पशुओं के प्रति क्या क्रूरता का कानून है, अब नहीं कर सकते, लेकिन पहले अंग्रेजों के समय में जब घोड़ा बूढ़ा हो जाता था सेना का, तो उसको, क्योंकि उस घोड़े की इतनी देखभाल की जाती थी तो वो बाहर नहीं हो सकती थी, वो तांगे पर थोड़े लगेगा फिर घोड़ा। चलो आगे, शेरशाह ने सैनिकों को नकद वेतन दिया, सरदारों को जागीरें दी, घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रारंभ किया, सैनिकों का हुलिया रखा। शेरशाह के समय में 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है, है ना। हुलिया जैसे आप आज भी अगर आपकी फोटो ना लगाई जाए ना फॉर्म पे, तो पता नहीं कौन देगा आपकी जगह पेपर, नौकरी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, हुलिया लेना पड़ता है ना, तभी तो पासपोर्ट साइज फोटो मांगते हैं आपसे। चलो आगे, भवन और इमारतें। एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, झील के बीच में है, किसमें है,
झील के बीच में है, बिहार में है, क्योंकि बिहार का था ये व्यक्ति। ठीक है, तो मकबरा भी कहाँ है। ठीक है, आगे शेरशाह ने अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए, आपको बताई था मैंने, रोहतासगढ़ के किले बनवाए थे। क्या बनवाए थे? इसके अलावा उसने दिल्ली में पुराना किला बनवाया था। आपको मैंने बताया था कि एक बार क्वेश्चन आया कि पुराना किला किसने बनाया, तो हमारे समय में आया, तो हमने कहा यार इतने सारे पुराने किले हैं, आप क्या किस किस पुराने किले की बात कर रहे हैं। बट पुराना किला किसको बोला जाता है, जो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में बनवाया, उसको क्या बोलते हैं, पुराना किला। बल्कि पुराने किले के अगल बगल या अंदर एक मस्जिद है, उत्तर प्रदेश वालों ने वहां से क्वेश्चन पूछा, ढूंढो जरा पुराने किले के अगल बगल कौन सी मस्जिद है, अंदर होगी या अगल बगल होगी, उत्तर प्रदेश पीछे से क्वेश्चन। मिला? जल्दी ढूंढो भाई। किला एक कोहना, किला एक कोहना मस्जिद कहाँ है, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा भाई, लोक सेवा आयोग ने। किला एक कोहना मस्जिद कहाँ है, आंसर पुराना किला के अंदर। देखो भाई मैं भी नहीं गया लेकिन देख लो, पुराना किला के अंदर है। कहाँ है? पुराने किले के अंदर। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने कन्नौज नगर को बर्बाद कर दिया। कन्नौज सुना है आपने? कन्नौज सुना है? अरे भाई हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के लिए ट्रिपिटाइट स्ट्रगल होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कि नहीं होता है, जिसमें तीन शक्तियां लड़ती हैं, बंगाल के पाल, बंगाल के इधर से वेस्ट से गुर्जर प्रतिहार और साउथ से राष्ट्रकूट, सबसे शक्तिशाली कौन? राष्ट्रकूट। लेकिन क्या जीते कौन? गुर्जर प्रतिहार जीते कौन लास्ट में? तो ट्रिपिटाइट स्ट्रगल पे मेंस का क्वेश्चन बनता है, सबसे हौच पौच पूरे इतिहास में सबसे हौच पौच वाला क्वेश्चन कौन सा है? ट्रिपिटाइट स्ट्रगल वाला। कारण यह है कि बंगाल के पाल ने जीता, तब तक राष्ट्रकूट आ गया उसने हरा दिया, तब तक गुर्जर प्रतिहार आ गया उसने जीत लिया, मतलब ऐसे चलता रहता बस। तब तक जब तक राष्ट्रकूट ने जीता तब तक नीचे विद्रोह हुआ, वो वहां चला गया, तब तक फिर पाल आ गया। तो हौचपौच मतलब कई नाम याद करने पड़ते हैं, किसमें? ट्रिपिटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। आपके उत्तराखंड पीसीएस में बनता है वो क्वेश्चन, इतिहास वाला पेपर जो होता है आपका, यानी पहला हिंदी होता है दूसरा इतिहास होता है, तो इतिहास में आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है त्रिपक्षीय संघर्ष, उनको पता है कहाँ फंसाना है। ठीक है चलो जी, तो उसने क्या किया वहां पर, कन्नौज को बर्बाद किया और शेरसूर नगर बसाया उसने। क्या किया? शेरसूर नामक नगर बसाया। और कन्नौज जो है भाई इत्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? इत्र। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि गुलाब से इत्र बनाने की आविष्कार किसने किया, गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? तो मैं बता देता हूं, नूरजहां। नाम सुना है आपने नूरजहां? वास्तविक नाम मेहरुन्निसा, वास्तविक नाम उसकी मम्मी कौन? असमत बेगम। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की क्या किया था? आविष्कार किया था। किसने? असमत बेगम। नूरजहां के पापा कौन? अरे भाई नूरजहां कौन पहले ये बता दो। ठीक है, मैंने कहा नूरजहां मतलब मेहरुन्निसा, नूरजहां मतलब उसके सेकंड हस्बैंड का नाम जहांगीर। कल नहीं बताया मैंने आपको, शराब के प्याले हो नूरजहां का साथ हो, बस और कुछ नहीं चाहिए, और नूरजहां के हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर माने जाए, है ना। तो जहांगीर उसका सेकंड हस्बैंड है, पहला हस्बैंड उसका जो है वो है शेर अफगान। कौन है? शेर अफगान। और जो उसका पिता है उसका नाम है मिर्जा गयास बेग एतमादुद्दौला। कौन है? मिर्जा गयास बेग एतमादुद्दौला। और एतमादुद्दौला के मकबरे पर सबसे पहले संगमरमर और पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ, ताजमहल में तो बाद में हुआ, पेट्रा ड्यूरा मतलब संगमरमर पर प्रीसियस स्टोन जड़ने की कला होती है, उसको बोलते हैं पेट्रा ड्यूरा। उसका सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ? आंसर एतमादुद्दौला के मकबरे पर, और शायद संगमरमर का प्रयोग भी सबसे पहले एतमादुद्दौला के मकबरे पर। ठीक है, ताजमहल में बाद में हुआ संगमरमर का प्रयोग, ताजमहल बाद में बना। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल।
तो भाई इसने एक उपाधि धारण की, किसने? दक्षिण का सम्राट। किसने? शेरशाह सूरी ने दक्षिण का सम्राट की उपाधि धारण की। कनिंगम लिखते हैं कि शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बोला जा सकता है, जो सासाराम बिहार में। कनिंगम कहते हैं कि मुझे ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर क्या लगा? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा लगा। कनिंगम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। कानूनगो लिखते हैं, कानूनगो कौन? डॉक्टर कानूनगो, वर्तमान में जिन्होंने शेरशाह सूरी का पूरा इतिहास लिखा। वर्तमान में पुराना तो वो है कौन, अब्बास खान शेरवानी, है ना, जिसने तोहफा अकबर शाही या तारीख शेरशाही लिखी। लेकिन वर्तमान इतिहासकार जो है डॉक्टर कानूनगो, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि इसका जो मकबरा है वो बाहर से मुस्लिम है और अंदर से हिंदू है। अगर आप उस मकबरे के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ हिंदू शैलियां परिलक्षित दिखाई, मतलब दिखेंगी, परिलक्षित होंगी, है ना। जैसे हिंदू शैली कब बोलते हैं हम? जो कमल होता है, घंटियां होती हैं, कुछ इस प्रकार का अलग सा पता चल जाता है कि ये हिंदू शैली है। मुस्लिम शैली बाहर से देखने पे ही, जो गुंबद होगा वो अलग किस्म का होगा, मंदिरों का जो विमान होगा वो अलग किस्म का होगा, है ना। तो डॉक्टर कानून को लिखते हैं कि जो उसका मकबरा है वो बाहर से क्या है, मुस्लिम है, अंदर से हिंदू। ठीक है, अब्बास खान शेरवानी ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि बुद्धिमता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। कौन दूसरा है? ये हैदर अली नहीं बोल रहे हैं, ये ओ इस्लाम वाले हैदर की बात कर रहे हैं। इस्लामिक जगत में कोई हैदर हुए हैं उनसे तुलना कर रहे हैं। कौन? अब्बास खान शेरवानी, कि दूसरा हैदर है बुद्धिमता और अनुभव में। ठीक है, कहीं हैदर अली पे मत चले जाना, हैदर अली बहुत बाद का है। कब का है? कब का है भाई? अरे टीपू के पापा, टीपू सुल्तान के पापा कौन है? हैदर अली। याद आ रहा, मैसूर युद्ध हुए, अंग्रेजों के साथ चार मैसूर युद्ध लड़े गए। कितने? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुए, और लास्ट के दो जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए वो टीपू सुल्तान के साथ हुए। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। और टीपू सुल्तान 1799 में युद्ध करते हुए मारा गया, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। कहा जाता है कि तलवार हाथ पे ही रही टीपू के। किसके? ये टीपू वही है श्रीरंगपट्टनम, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला और फ्रांसीसी जैकोबियन क्लब की सदस्यता धारण करने वाला। जितने भी पॉइंट मैंने बोले सब क्वेश्चन बने हुए। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने लगाया। ठीक है, टीपू सुल्तान ने किस फ्रांसीसी क्लब की सदस्यता ग्रहण की? आंसर जैकोबियन क्लब की। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में हुई। कब हुई? 1799 में हुई। फिर पूछा कि किसके समय में हुई? तो भाई वेलेजली के समय में हुई। किसके समय में हुई? लॉर्ड वेलेजली का समय चल रहा था, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था, टीपू सुल्तान मारा गया। इतना समझ में आ गया। राजस्थान पीसीएस देने गए एक बार हम लोग, वहां क्वेश्चन पूछा कि हैदर अली सर्वे सर्वा हो गया कब? मैसूर का हैदर अली सिपाही था, क्या था जो राजा था? वो कृष्णराज था, वोडेयार डायनेस्टी थी। कौन सी थी? वोडेयार डायनेस्टी। उसका जो राजा था वो था कृष्णराज। कृष्णराज को ऐसे कैप्चर किया हैदर अली ने कि एक दिन वो सर्वे सर्वा बन गया। पहले सिपह सालार बना, सिपह सालार से बढ़ बढ़ के क्या बन गया? मतलब राजा को खाली साल भर में एक बार दिखाया जाता था, दर्शन कराए जाते थे, हाँ भाई राजा जिंदा है। और पूरी शक्तियां जो थी किसके हाथ में थी? हैदर अली के हाथ में थी। तो क्वेश्चन बना राजस्थान पीसीएस में, हैदर अली सर्वे सर्वा बन गया कब? तो जिस जमाने में हमने याद किया था कि यार कोई बड़ा युद्ध हुआ था उस समय, क्या हुआ था? अब बड़े युद्ध तो यही होते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, है ना, बक्सर का युद्ध 1764, यही तो होते हैं। तो यही इसी के आसपास, तो मैं आप बता रहा हूं कि पेपर के अंदर क्या होता है इसलिए पूरा पढ़ लेना चाहिए। युद्ध ही याद आते रहे बस, क्या आते रहे, बड़ी मुश्किल से वो क्वेश्चन कर पाए। देखो सर्वे सर्वा कब बना? 61 में बना कि 64 में बना? तो
अब इसके बाद हमने पढ़ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो ब्रेक मांगा आप लोगों ने, तो ब्रेक के बाद मैंने शेरशाह सूरी पूरा करा दिया, ठीक है।